दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, कोरोना वैक्सीनेशन देश में दोबारा से शुरू हो चुका है। और दोस्तों, अब की बार जो कोरोना वैक्सीन की एज लिमिट है उसको भी घटा दिया गया है। 18 से जिनकी उम्र ज़्यादा है उन्हीं को ये वैक्सीन लगने वाली है। लेकिन सरकार ने यहाँ पे कंडीशन रखी है, जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होगा उन्हीं लोगों को ये वैक्सीन लगाई जाएगी। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं कोरोना वैक्सीन के लिए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बाजू वाला बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट कर लो, ताकि आप मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना कर पाओ। प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। वैक्सीन रजिस्ट्रेशन के लिए आपको आना होगा इस वेबसाइट पर। ये वेबसाइट वैक्सीन रजिस्ट्रेशन की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको एक येलो बटन दिखाई दे रहा होगा। अगर आप आरोग्य सेतु ऐप से जुड़े हैं तो आप उससे भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं यहाँ पर क्लिक करके। लेकिन आपको क्या करना है, येलो बटन पर क्लिक कर देना है तो आप इस पेज पर पहुँच जाओगे। अब आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर टाइप करना है, उस पर एक OTP जाएगा। तो मैं यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर टाइप कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर टाइप कर दिया है और सिंपली आपको गेट OTP पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा, उसको यहाँ पे आपको डालना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अपना OTP टाइप कर दिया है। अब आपको वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। जैसे आप वेरीफाई पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे आपको रजिस्टर्ड मेंबर पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे और एक मोबाइल नंबर पे दोस्तों आप केवल 4 लोगों का रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना फोटो आईडी कार्ड का नंबर और नेम और यहाँ पे अपना जेंडर और डेट ऑफ बर्थ टाइप कर देनी है। तो सिंपली मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अपना आधार कार्ड यहाँ पे चूज कर लिया है। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ठीक है ना दोस्तों। अब मैंने यहाँ पे आधार कार्ड अपना सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर टाइप कर देना है, अपना नाम टाइप कर देना है, सही यानी जैसा आधार कार्ड में हो वैसे यहाँ पे आपको टाइप करना है, अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है और सिंपली आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ अपनी सेलेक्ट कर लेनी है। डेट ऑफ बर्थ की केवल आपको यहाँ पे सन टाइप करनी है, जिस सन में आप पैदा हुए हैं, और यहाँ पे आपको रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। आप देख सकते हैं ऊपर आपको मैसेज आ चुका है रजिस्टर्ड सक्सेसफुली का। अब दोस्तों, अगर आपको यहाँ पे अपने फैमिली मेंबर के लोगों को भी जोड़ना है, यानी अपने फैमिली के सदस्य को जोड़ना है, यहाँ पे आप 4 लोगों को और जोड़ सकते हो आप एक ही मोबाइल नंबर पे। तो यहाँ पे ऐड मेंबर पे आपको क्लिक कर लेना है और फिर से आपको वही ID वगैरह और जेंडर वगैरह उनका सेलेक्ट कर लेना है। अब आपको क्या करना है, पहली डोज के लिए आपको क्या करना है, अपॉइंटमेंट लेना होगा। अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपको यहाँ पे एक शेड्यूल का बटन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, ये जो आप अपॉइंटमेंट ले रहे हो ये पहली डोज के लिए ले रहे हो। 28 से 56 दिन के बाद में, मतलब जब आप पहली डोज लगवा लोगे उसके बाद 28 से 56 दिन के बीच में आपको फिर से एक और डोज लगवानी होगी। तो सिंपली आपको क्या करना है, शेड्यूल नाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप शेड्यूल नाउ पे क्लिक करोगे, अब आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेंगे, सर्च बाय पिन और सर्च बाय डिस्ट्रिक्ट। अब आप यहाँ पे अपने वैक्सीनेशन सेंटरों को आप अपने यहाँ पे एरिया के पिन कोड द्वारा भी सर्च कर सकते हैं और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट के द्वारा भी सर्च कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपने एरिया का पिन कोड टाइप कर लेता हूँ। पिन टाइप करने के बाद आपको सिंपली सर्च बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप सर्च बटन पे क्लिक करोगे तो जो जितने भी आपके यहाँ पे वैक्सीनेशन सेंटर होंगे उनकी लिस्ट यहाँ पे आपके खुल के आ जाएगी। तो मेरे यहाँ पे एक वैक्सीनेशन सेंटर है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जहाँ पे 70 दिखाई दे रहा है सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो दोस्तों यहाँ पे आपको अपना टाइम डेट वगैरह सेलेक्ट कर लेनी है। अब यहाँ पे आपको जो तारीख मिली है वो 30 तारीख मिली है, यानी 30 तारीख को आपको वैक्सीन सेंटर पे पहुँचना है और वहाँ पे वैक्सीन लगवा लेनी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको 4 स्लॉट मिलेगी टाइम की। अब जो भी आपको यहाँ पे टाइम को सिलेक्ट करना है, जिस भी टाइम आप जाना चाहते हो उस टाइम को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। और सिंपली यहाँ पे आप देखिए मैंने फर्स्ट वाला यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है और सिंपली कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कन्फर्म पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक अपॉइंटमेंट सक्सेसफुली का मैसेज आ चुका है हमारे पास में। अगर आप इस इनवॉइस को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप सिंपली डाउनलोड बटन पे क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब आपको सिंपली 30 तारीख को और जो आपने टाइम सेलेक्ट किया है उस टाइम पर जाके वहाँ पर सेंटर पर आपको जाना है और वैक्सीन लगवा लेनी है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ यार इस वीडियो को यार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचे और वो इस वीडियो को देख के रजिस्ट्रेशन कर सके। तो दोस्तों, प्लीज़ यार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, वीडियो को लाइक करो और दोस्तों प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यार, आप समझ नहीं रहे हो। प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरीके के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।